السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توفى يا علي عليه السلام مدد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على فاطمة وابيها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وما أحصاه كتابك اللهم عجل وليك الفرج فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر من القول إلا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صلى الله عليك يا باب عبد الله صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة صلى الله عليك يا باب نجات الأمة सल अबल आल क या अबुलफल अब्बास यबना मिरमिन सल अल्लाह अब हसैन अमालकम वर्कात करबला मौल्ला अहल बैतून की मुनासबतें मुनासबत नस्बत से है और नस्बत उस वक़्त हो जाती है जब आपस में इरतबात कवी हो जाए कभी कभार इरतबात हिस्से ताल्लुक़ रखता है कभी अरतबात जाहिर से ताल्लुक़ रखता है यानी इरतबात एतक़ादी है कभी और कभी कभार एतक़ाद जाहिरी है किसी शख़्स का किसी के साथ मुरतब हो जाना ये इरतबात जाहिरी है और जब ये इरतबात अकीदे के सबब से हो जाए तो ये अरतबात और ये नस्बत अक़ायदी हो जाती है जिस तरीक़े से तोहद के साथ नबूत नबूत के साथ इमामत ये अरतबात अरतबात अकायदी है कभी कभार अकीदा और जाहिर एक सा हो जाता है जिस तरीक़े से अहिलाम की मुनासबतों पर गिरिया करना दिल में तो गम है अकीदा है अमल के अंदर भी आ गयाम गया। है ल्हज के और आज तीन ल्हज है तीन लज को रसुल ख़ुदा सल्ह वसम मक् मकरमा में दाखिल हुए हैं हज की नीयत से जिसे हजतुलदा भी कहा जाता है और हजतलबलाग़ भी कहा जाता है बलाग किस वजह से कहा जाता है वदा किस वजह से कहा जाता है हजरतलविदा यानि जिसमें आखिरी हज किया वैसे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया था उसी को विदा कहा जाता है बलाग इस वजह से कहा जाता है इसमें रसोल सल्ला वसलम ने अमीरमौमिनली इबन अभी तालबलम की विलायत की तबलीग की थी इसी वजह से इसे हजतुलबलाग भी कहा जाता है तीन ललज को रसूल खुदा सल्ह वसम नेजतुलवादाता किया है विदा की खातिर मक्का में आए हैं और चार को रसूल खुदा सल्ह वसलम के सातवें जानशीन इमाम मूसा काजिम्सम जिंदान में क़ैद किए गए हैं और रसूल खुदा सल्हसम दस हिजरी में आए थे और ये इमाम मूसा काजिमला की कैद एक सौ नवासी सत्तर नौ उन्नासी हिजरी के अंदर हुई है और इमाम मूसा काजिम्स की कैद के बाद सात दिल्हज को जो मुनासबत आ रही है वो इमाम मोहम्मद बा़िर असलाम की शहादत है 114 हिजरी के अंदर फिर आठ योम तरविया के दिन इमाम हुसैन आल्लम ने साठ हिजरी में मक्का को अलविदा कहा है और नौ को जनाब मुस्लिम बिऩी की शहादत है जनाब मुस्लिम बिन अकीलम की शहादत नौ जिलहज के दिन और साठ हिजरी में कोफ़ा के अंदर हुई है जनाब मसलिम अकील साम की शहादत और जनाब हज़रत इमाम मोहम्मद बाखिर स्ल्स की शहादत इन्ह याम में है और बार झिलहज को फ़र्जंदान जनाब मसलिम की शहादत है मैंने आयत जो तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया वो के वक्त मुख्तसर सा ही होता है दस्तर का मकसद जिक्र अल बैतुम और मुनासवत अल बैतुम ज़्यारत इमाम हुसैन आलम और अल बैतूँ से मोहब्बत और उनस को इजहार करने का एक जरिया है और ये दस्तरखान ख़ान जहान के नक़ात से मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ मुल्कों से ममिन यहाँ पर दस्तरखान बरगुजार करने के लिए हमसे अप्लाई करते हैं रुजू करते हैं रबता करते हैं और उन सब के लिए हम दुआ गो हैं ख़ुदांद मताल उनके इस अखलास को अपनी जनाब में मकबूल फरमाए कि वो करबला और करबला के ज़ायरों के लिए अपनी जानब से रिज्क को भेजते हैं और अहिल और उनके मोहब्बत करने वाले यक़ी आपके हक़ में दुआ करते हैं और आपके लिए ये बहुत बड़ा अनमोल ख़ज़ाना है जनाब रसूल खुदा सल वसम आखिरी हज अदा करने के लिए मक् मौज़मा में आज पहुँचे हैं और रसूल ख़ुदा सल्हस यकीनन हमारे लिए हर एतबार से हर लिहाज से एक ख़ास दर्स रखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसमें से एक दर्स व अजन फ़िन्ना से बिलहज या अतू का रिजालन व अला कल ज़ामिन या अती अमिन फ़जिन अमीक ए रसूल लोगों में हज तो का ऐलान तो तो करो तो, 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 तो वो तो आएंगे तुम्हारी आवाज़ पर प्यादापा और लागर सवारी के जरिए से आएँगे और हर दूर दराज रास्ते से आपके पास आएंगे हज करने के लिए लोग जा रहे हैं मक्का की तरफ गो के आजकल के ज़माने के अंदर जिस तरीके से आप जानते हैं करोना का ज़माना है मोमिन परेशान हैं मुश्किल में मुब्तला है जहाँ कहीं पर भी मोमिन परेशान हैं मुसलमान परेशान हैं इंसान परेशान है, है, है दुआ गो खुदा वंद मताल हजरत ख़ुदा के जहूर से उन सब की परेशानियाँ दूर फ़रमाए और उनकी मुश्किल को आसान फरमाए हज के लिए लोग जा रहे हैं मैंने आयत जो तिलावत की थी शुरू के अंदर वो मकसद यही था कि पहले आयत के अंदर छठे सिपारे की पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है अल्लाह ताला बुलंद आवाज से बुरा भला कहने या गिरिया करने को पसंद नहीं करता मगर किससे पसंद करता है जिसके ऊपर सू यानी बुराई नाजिल की गई हो बुराई आई हो किसी के सब से तकलीफ़ पहुंची हो जहमत पहुंची हो तो इसी मुनासबत से मुहर्रम जू करीब करीब आएगा वो लोग जो अपनों पे रोने को फ़ख्र समझते हैं अपने बुज़ुर्गों के मज़ार ऊँचे ऊँचे बनाना चाहते हैं वो इमाम हुसैन सलाम की आज़ादारी पर इश्काल करना शुरू हो जाएंगे मुनासबत मुहर्रम के हिसाब से है कि हम कुछ शबीहात बनाते हैं जिनमें से कुछ शबीहा आपके सामने आश्कार हैं कुछ ख़ास इलाक़ों में बनाई जाती हैं कुछ हर जगह पर बनाई जाती हैं मसलन, मसलन हमारे यहाँ इमाम बारगाह आ, बनाई जाती आ, है इमाम बारगाह मखसूस है अहिलाम के जिक्र के लिए ये क्यों बनाई जाती है इमाम बारगाह बनाई गई क्योंकि मस्जिद के अंदर तो इंसान तो नहीं तो आ तो सकता हर इंसान नहीं आ सकता मुसलमान ही आ सकता है काफिर नहीं आ सकता और कुछ हालात के अंदर हमारी ख़वात भी नहीं आ सकती तो इमाम बारगाह को बनाया जाता है कि उसके अंदर हर कौम और हर मज़हब का शख्स आकर अहिल की मुसीबत को सुने इसीलिए इमाम बारगाह बनाई जाती है पहले मजालिस कम हुआ करती थी ऐलान किए जाते थे लोग जमा हो जाते थे आजकल तादाद ज़्यादा हो गई है जिस तरीके से मसाजिद ज़्यादा हुई हैं इसी तरीके से इमाम बारगाहें भी अलहमदल्ला तादाद में ज़्यादा हो गई हैं ताकि दूर दराज से लोग आएँ और सुने पहले ऐलान काफ़ी होता था आजकल कल बैनर पम्फ्लिट पेनाफ्लैक्स बनाए जाते हैं और यह भी मोहब्बत का एक जरिया है पहले एक ही पढ़ने वाला होता था आजकल माशाल्लाह मुख्तलिफ़ शहरों से आना जाना आसान है पढ़ने वाले ज़्यादा आ जाते हैं इसमें कबाहत कोई नहीं है ना कहीं शरीयत में इस बात का मना किया गया और ना इस चीज़ से रोका गया है लिहाजा जिक्र के लिए जाना तो वैसे ही ब है जैसा कि कुरान मजीद के अंदर सुर जुम के अंदर इर्शाद होता है बस अला अल्लाह की जिक्र के लिए दौड़ते हुए जाओ तो दौड़ते हुए भी जाना पड़े तो जिक्र अल्लाह के लिए दौड़ते हुए जाना चाहिए हाँ अहिल से मुनासबतें एक हमारे यहाँ बनाया जाता है ताबूत ताबूत हसरत होती है कि इमाम हुसैन असलाम को दफन नहीं किया गया इसीलिए हम ताबूत बनाते हैं कि इमाम हुसैन आलाम के दफन किए जाने की हसरत को ताबूत की सूरत में बजा लाएं। हाँ हमारे यहाँ ताज़िया बनाया जाता है ताजिया इमाम हुसैन आलाम के रोज़े की शबी की सूरत में होता है कभी गुमबद की सूरत में होता है कभी लकड़ी का बना होता है कभी सोने चांदी का बनाया जाता है कभी हसब इस पन्नी के ज़रिए से बाँसों सरकंडों से बनाकर एक शबी सी बना दी जाती है और हमारे यहाँ उसमें मन्नतें भी मानी जाती हैं पूरी भी होती हैं लोग दुआएं मांगने के लिए आते हैं मकसद क्या होता है देखें इसे याद करबला आ जाए तैमूर लंग ने करबला से दूर होने की वजह से कहा जाता है कि ये शबीहात का आगाज़ किया था और आज कल हमारे यहाँ पाको हिंद के अंदर बहुत ज़्यादा शबियात बनाई जाती हैं अलहदुल्ल हाँ एक और छबी भी बनाई जाती है हमारे यहाँ हमारे यहाँ बनाया जाता है शबी हैम सलाम का जिसके साय के नीचे चलना हम अपने लिए नजात समझते हैं जिस पे जाके हम दुआ करते हैं सलाम अलम को करते हैं जाके मकसद गाजी की ज़ात को सलाम पहुँचाना होता है हम अलम के साथ एक मश्क़ भी लगाते हैं मश्क़ लगी होती है ये याद होती है बीबी सकीना अलैहा की वो मश्क जो मौला गाज़ी के हाथों में ही रह गई ये उसकी याद होती है मश्क में कभी कभी तीर भी लगा दिया जाता है ये याद होती है कि मश्क को आदा ने छेद के रख दिया था हाँ मश्क के साथ साथ फरहरे के ऊपर एक हाथ भी लगा दिया जाता है इस हाथ को लगाने के बाद जिसे हम अपनी जबान में पंजा कहते हैं लगाने के बाद हमें एहसास होता है गाजी का हाथ हमारे ऊपर साया किए हुए है हमारे ऊपर निहगेबानी कर रहा है मौला गाजी का हाथ हाँ ये नस्बत है मुनासबात नस्बतों से होती है नस्बतें अहले बैश है। से हैं करबला से हैं मुहिब्बा ने करबला से हैं हाँ एक और शबी भी बनाई जाती है हमारे यहाँ शबी बनाई जाती है मेहंदी की मेहंदी की शबी इसलिए बनाई जाती है बनाई जाती है इसलिए कि याद रह जाए इमाम हसन अलाम के नौशाह की जनाब इमाम हुसैन अलाम ने आखिर वक्त के अंदर अपनी बेटी जनाब कुबरा से जनाब कासिम सलाम का अकद पढ़ा ये उसकी याद में बनाई जाती है शादी इस्लाम के अंदर कोई खुशियां मनाने का हदफ़ नहीं है ये एक शरीफ ररीजा है हम अपनी याद के लिए मेहंदी को भी सजाते हैं ताकि करबला का गम हमारी आंखों में खुशियों की सूरत में भी बेहतर नज़र आ जाए हाँ एक शबी हमारे यहाँ बनाई जाती है वो होती है जनाबे शाम गरीबा के उस नक्शे की उस शाम गरीबा के नक्शे की जिसमें बच्चे बनी असद के पानी लेकर आते हैं कूजों में और आकर बताते हैं कि करबला में पानी नहीं था बनी असद के बच्चों को जनाब हुर के कबीले के बच्चों को पानी देकर भेजा गया था ताकि ये पानी की याद करबला के साथ मुर्तबित रहे और यह नस्बत याद ताज़ा रहे हाँ ये नस्बतें सब करबला से ही मुतल नस्बतें हैं इनमें कहीं कबाहत नहीं है रसूलुल्लाह रसमल ने गम मनाया है जनाब ख़दीजा सलाम अलैहा का मनाया है जनाब अबू का गम मनाया है जनाब फ़ातिमा असद सलाम अलैहा का मनाया है जनाब मुत्तलिब का गम मनाया है जनाब सलाम का ़ मनाया है जनाब बीबी आमना सलाम अलैहा का मनाया है जनाब अबू ताब् का गम मनाया है रसूल खुदा ने जनाब हमजा की शहादत पर गम खुद भी मनाया और जो गम मनाने के लिए आई उनके लिए दुआ भी की और कहा कि मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ जो जनाब हमजा पर आंसू बहाएंगी हमजा जनाब हमजा उस वक्त तक के सैदुलशहदा थे इमाम हुसैन आज सैदुलशहदा हैं और शहीदों के सरदार हैं जनाब हमजा भी यकीन इमाम हुसैन सलाम को शोहदा ही कहते नजर आएंगे क्योंकि इमाम हुसैन सलाम ने शहीदों की ऐसी लाज रखी है कि रहती दुनिया तक कायम रहेगी हाँ ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं हमारे मोमिन के दिल जो पाकिस्तान में रहते हैं बीबी रुकैया की मुनासिबत से लाहौर जाते हैं गम मनाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बीबी पाक दामना का रोज़ा बना हुआ है कहा जाता है बीबी रुकैया पैदल चलती हुई आदा से बचती हुई लाहौर पहुंच गई थी गोके तारीख़ में कोई नस्बत मिलती हो या ना मिलती हो हाँ इतना ज़रूर कहूँगा हम शबीहों के कायल हैं अगर नस्बत है जनाब रुकैया बिनते अमीरमीन सलाम से मौला गाज़ी की बहन से जनाब मुस्लिम सलाम्ल्लै की बेवा से तो हाँ सलाम करने जाना चाहिए बीबी के घर में गम की घड़ियां हैं बीवी बीबी के घर में अफसोस का मकाम है जनाब सलाम को कैद कर लिया गया है जनाब सलाम गए हैं कोफा में अमीरुल सलाम के दूसरे जानशीन इमाम हुसैन आल्लाम के कासिद वन के कासिद वन के गए हैं वहाँ पर सफ़ीर हैं और पैगाम दिया है लोगों ने बेत की है जनाब मुस्लिम नकीलम जब देखते हैं लोग जौक दर जौक बेत के लिए आ रहे हैं खुश होकर इमाम हुसैन सलाम को ख़त लिख देते हैं मौला आज अट्ठारह हजार लोगों ने बेत की है आप करबला की तरफ आइए आप कोफा आइए यहाँ पे सब कुछ आमादा है खजूर के दरख्त सर शादाब है यहाँ पर मेवे हैं यहाँ पर लोगों के खुलूस हैं तशरीफ ले आइए लेकिन जैसे ही ये नामा लिखना था नामा लिखना था अश्किया ने वो काम किया जिसके बाद मोमिनी ने कोफा पराकंदा हो गए जनाब मुस्लिम सलाम तनहा रह गए पहुंच गए इमाम हुसैन सलाम के सफीर तोा के दरवाजे पर तोा के दरवाजे पर पहुंचे हैं वक्त कम है मुख्तसर करता हूँ तवा तो के दरवाजे पर पहुंचे हैं मेहमानी की शब बसर की है सुबह का वक्त हुआ है मेरे मौला ने तरविया के दिन मक्का को अलविदा कर दिया है एक गम का वक्त मेरे मौला के ऊपर मदीना में माँ के मजार और नाना के मजार और भाई के मज़ार को अलविदा करना था आज बैतुल्लाह को अलविदा करना बड़ा सख्त है लोग हज के लिए आ रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तबलीग करबला की खातिर मुखालिफ में चलते चले जा रहे हैं हर कोई पूछ रहा है कहां चल दिए हम तो आपके सबब से हज करने आए थे इमाम हुसैन चलते जा रहे है एक मकाम पर इमाम हुसैन अल्लाम को देखा गया कि इमाम हुसैन अल्लाम की सवारी रुक गई जनाबे मुस्लिम नकीलम दारुल अम्मारा की छत के ऊपर हैं क्या कर रहे हैं तब ध्यान में शब्बीर के मुस्लिम ये पुकारे काबे में हो या राह में सदके में तुम्हारे अब कटता है सर लोग तमाशाई है सारे देखो मेरे आका मेरी हसरत के नजारे एजाज से पर्दे मेरी आंखों से उठा दो या सिबते नबी आखिरी दीदार दिखा दो काबा से इसी रोज रवाना हुए थे शाह मुस्लिम तो लबे गौर थे शब्बी सरेरा ने कुफे की कोई से कहा था गा हाँ हुक्मे खुदा से तू बुलंद इतनी हो वल्ला मुस्लिम शहे मजलूम की तस्वीर को देखे शबीर इसे देखे ये शबीर को देखे कोफा की जमीने ने शरेफ किया पैदा पर सारी जमीनों पे हुआ जलजला बरपा चलने से रुका राह में असबे शहवाला और थम गए सब अस्तर ज़ुर्रियत ज़हरा हातिफ ने नींद दी ये मोहम्मद के खल्फ को यासिबते नबी देखिए कूफा की तरफ को कूफा की तरफ शाह ने मुंह अपना फिराया सैदानियों ने महलों से पर्दा उठाया अल्लाह ने मुस्लिम का जमाल उनको दिखाया बैठा हुआ तलवा दीवार के नीचे नजर आया पे हम तीन नजारों में सदा हाय अकी की हाँ यहाँ फातिमा रोती थी वहाँ रूह अली की चेहरों पे तमाचे हर में लगाए मिलने के लिए हाथ रुकैया ने बढ़ाए चिल्लाई के लो अम्मा वो बाबा नजर आए सब कहते थे बाबा ने वहाँ शहर बसाए नए शहर पे नए साये दीवार के नीचे जो मेरे बैठे हैं तलवार के नीचे शब्बी पुकारे तेरा बाबा है बहुत दूर पर खाल के मुख्तार को अब यूं हुआ मंजूर कातिल से रहा कहने लगे मुस्लिम रंजूर हसरत मेरी पूरी हुई ए मकहूर अब काट के सर को भी मरने का मजा है अब काट के सर को यही मरने का मजा है आगा मेरा इस वक्त मुझे देख रहा है जनाबे इमाम हुसैन अलैहि ने कहा खैमे लगा लिए जाए खैमे लगाए गए मेरे इमाम हुसैन अलैहि गमी ग़मीज़ गमज़दा हालत के अंदर चलते हुए खैमे में गए जनाबे मुस्लिम की यतीमा को देखा कुछ ज्यादा ही मोहब्बत से पेश आए बच्ची सैयदों की घरों की तरबियत यावता है पहचान गई कहा लगता है मामू जान मेरे बाबा दुनिया में नहीं रहे इमाम हुसैन ने कहा बेटी आज से तुम मेरी बेटी हो एक बच्ची के हाथ से कहा जाकर लेकर आओ जनाबे मुस्लिम की यतीमा को गोशवारे पहनाए गए हाय जनाबे शकीना करबला के अंदर जब यतीम हुई देखा एक लाइन आगे बढ़ता चला रहा है समझी शायद मुझे भी गोशवारे पहनाए जाएंगे हाय अफसोस हाथ आगे बढ़ा बच्ची को गोशवारे तो कहां पहनाने थे एक मर... रतब खून का फवारा जारी हुआ कहा बाबा आप तो यतीमों को गोशवारे पहनाया करते थे अलानतुल्लाह अलल कौम الظالمین व सयालमल् लदीन ظلمو अय्यमुन कलबियन कलबून اللهم اجل ولیك الفرج والعافيه والنصر وجعلنا من خير اعوانه وانصاره واجعلنا من المستشهدين بين يديه